आज से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है डेली लाइफ मैथमेटिक्स करने के लिए। आपको फॉर एग्जांपल कहा जाए कि हाउ मैनी Euros are in $100। ये क्वेश्चन पूछा जाए या अगर आपसे कहा जाए कि इफ द प्राइस ऑफ सिक्स एग्स is 150 rupees, is rupees 150, then what is the price of one egg? या एक और क्वेश्चन अगर आप से मैं पूछूं कि हाउ मैनी सेकेंड्स आर हाउ मैनी सेकेंड्स आर इन वन आवर। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं इनका ताल्लुक हमारी डेली लाइफ से है। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग मैथमेटिक्स बेसिकली है मैथमेटिक्स ऑफ डेली लाइफ। मैथमेटिक्स ऑफ डेली प्रॉब्लम्स या डेली लाइफ आप कह लें। अब ये ना सिर्फ ये है कि इसे कुछ कोई भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बिजनेस के स्टूडेंट्स, आम कोई भी इसको इस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। खास तौर पे मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट से, जब आप बीएस कर चुके होते हैं तो उसके बाद या बीएस के किसी फाइनल ईयर में होते हैं तो आप जीआरई टेस्ट देते हैं, फिर आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। एमएस के स्टूडेंट जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो तो गैट का टेस्ट देते हैं तो उसमें जरूरत पड़ सकती है। यानी कि ये मैथमेटिक्स है, और फिर वैसे भी मैथमेटिक्स की जरूरत हमें पड़ सकती है हमारे जो है जो प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ के या मैथमेटिक्स के वो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोर्स था, मैंने सोचा आपसे इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे हमारे पास, मैं उसको ब्रीफली लिख देता हूं यहाँ पर। यूनिट रीजनिंग, यूनिट्स बेसिकली यूनिट्स, डायमेंशनल एनालिसिस, फिर इसके अलावा मिसाल के तौर पे हमारे पास आएगा हमारे पास आ जाएगा यूनिट एनालिसिस आ जाएगा। फिर नंबर इन द रियल लाइन आ जाएगा। फिर मैनेजिंग मनी के साथ आ जाएगा। फिर
देखिए कैसे डाइवर्स किस्म के टॉपिक है इसमें, मैनेजिंग मनी आ जाएगा, फिर स्टैटिस्टिकल रीजनिंग जो कि हर एक पढ़ सकता है, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग इसको हम देख रहे होंगे, सो ऑन। तो इसके फिर मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, ग्राफ्स हैं, स्कैटर प्लॉट है, स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोबेबिलिटी, सो ऑन। तो ये बजाय तो चार पांच टॉपिक्स लग रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल हम इस कोर्स में देखेंगे। तो ये था लेक्चर नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।